दोस्तों, अगर आपको इस तरह का मेल आया है, एडमोब ऐप एड्स txt, या फिर आपका जो एडमोब का अकाउंट है उसका होम पेज में इस तरह का शो कर रहा है, एडमोब ऐप एड्स टेक्स्ट, तो ये क्या है? आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? इसको कैसे ऐड करते हैं, मतलब इसका जो पूरा का पूरा डिटेल्स है, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप कीजिए, पूरा लास्ट तक देखिए। तो ये जो बटन, ये जो ऑप्शन है, इसका पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो ऐप्स दिखाई दे रहा है, इसका पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है? तो उसका पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जितना भी ऐप्स है वो दिखाया जाएगा। उसका नीचे आप देखिए, यहाँ पे ऑल व्यू ऑल ऐप्स आपको दिखाई दे रहा है, इसका पर क्लिक करके दोस्तों आप इसको जो है एक काम कीजिएगा, जो डेस्कटॉप मोड है इसका ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है? क्रोम ब्राउज़र, ये जो मैंने ओपन किया है, इसको मैंने क्रोम ब्राउज़र में ओपन किया है, और इसका ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऐप्स है वो दिखाया जाएगा, ठीक है? दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपका जितना भी ऐप्स है वो यहाँ पे शो करेगा, दिखाया जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है APPADSTXT। ओके, तो इसका पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इस तरह का, ये देखिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसका ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक कर दीजिए इसका ऊपर, ठीक है, इसी का ऊपर। ओके, तो इसका ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ये एक कोड मिलेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एक कोड मिलेगा, ठीक है? आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, आप इसका पर क्लिक करके आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? ये कोड को आप कॉपी कर लीजिए। दोस्तों, हम ब्लॉगर में इसको ऐड करेंगे। आपके पास अगर ये ब्लॉगर नहीं है तो इसका रिलेटिव वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और अपना खुद का एक ब्लॉगर बना सकते हैं आप, ठीक है? तो इसी के अंदर ही हम ऐड करेंगे, ब्लॉग के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग दिखाया जा रहा है। देखिए, सेटिंग का ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है? सेटिंग का ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। नीचे चले जाइए, नीचे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए, ये वाला एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? और एक यहाँ पर दिया गया है, ये वाला जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है? ये दोनों को हमें एडिट करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे एडिट का ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यस कर दीजिए, और यहाँ पे हमने जो कोड कॉपी किया था वहाँ पे एडमोब में, जो ये वाला कोड को कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और सेव कर दीजिए, ठीक है? सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, ये इनेबल हो चुका है, ठीक है? ये इनेबल होने के बाद आप यहाँ पे आप कस्टम, एडिट का ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टिक मार्क लगा दीजिए, और यहाँ पे आप टाइपिंग कीजिए, ठीक है? APP, उसके बाद ADSTXT। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने नीचे जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है। उसके बाद उसका नीचे आपको ADS.txt लिख के आपको यहाँ पे जो ओके करके आप इसको सेव कर दीजिए, ठीक है? पहले टिक कर दीजिए, टिक करने के बाद सेव कर दीजिए, उसके बाद जो ये सेव है, सेव का ऊपर क्लिक कर दोस्तों दीजिए। सेव करने के बाद आपका जो ये जो ब्लॉगर है, यहाँ पे देखिए, आपका जो भी नाम रहेगा आप यहाँ पे आप शो करेगा, ठीक है? तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे देखिए व्यू ब्लॉग दिखाया जा रहा है, तो आप इसका पर क्लिक कर दीजिए। इसका पर क्लिक करने के बाद आपको जो ब्लॉग है उसका डोमेन नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो नाम है, यहाँ वेबसाइट का जो नाम है, ये आपका ब्लॉग का पेज है, और आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों? तो सिंपल आप इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसका ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस जगह में आपका जो डोमेन नेम है ब्लॉगर का, उसका दिखाई दे रहा है, आप इसका ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? तो क्लिक करने के बाद आप इसको कट कर दीजिए, मतलब आपका जो भी डोमेन नेम है उसका आगे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। देखिए, इसको मैं लगा रहा हूँ पेस्ट, ठीक है? तो आप इस तरह से लिख दीजिए, आप ये लिख भी सकते हैं, ये जो ऑप्शन है APPADS.txt, तो इस तरह से आप लिख दीजिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ओके दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से आप लिख दीजिए। सॉरी, तो लिखने के बाद आप गो सर्च कीजिए, इसको सर्च कीजिए, गो कर दीजिए, इसको मैं गो कर देता हूँ। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, आपका जो 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 ये आईडी था, वो आईडी आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं कट कर देता हूँ। ये आईडी आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है, पूरा का पूरा आईडी। आपको ये जो डोमेन नेम आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो डोमेन नेम आपको दिखाई जा रहा है, इसका आप टैप कीजिए। टैप करने के बाद आप इसको कॉपी कर लीजिए, पूरा का पूरा डोमेन नेम को आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारा कॉपी हो गया दोस्तों। आपका जो गूगल प्ले कंसोल है, ठीक है, गूगल प्ले कंसोल में जितना भी आपका एप्लीकेशन है, जितना भी आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, जितना भी आपने एप्लीकेशन को पब्लिश करके रखा है, किधर, तो सभी एप्लीकेशन का अंदर आप यही एक ही जो जो हमने जो कॉपी किया था उसी को आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो ये जो ऑप्शंस है, आप ये इसको ध्यान करके देख लीजिए, ये जो दिखाई दे रहा है, इसका ऊपर टैप कीजिए, इसी का ऊपर, ठीक है, इसका ऊपर टैप कीजिए। टैप करने के बाद यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आ जाइए, यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जो लिंक हमने कॉपी करके रखा था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर दूंगा, लेकिन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैंने ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए दिखाया है। ठीक है, आपका जो जो आपने जो डोमेन नेम जो जिसको आप कॉपी करेंगे, आपको उसको यहाँ पे पेस्ट करना होगा, क्योंकि मेरा दूसरा है, दूसरा कोड है जिसको मैं यहाँ पे डालता हूँ। ये बस मैंने आपको वीडियो बना के दिखाया कैसे बनता है ये। ठीक है, तो आप उसको कॉपी करके आप यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद ठीक है, आपको इसको सेव करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबमिट अपडेट का ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, सबसे सबसे लास्ट में आपको दिखाया जाएगा, तो आप सबमिट अपडेट क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, वो जो ऑप्शन था वो भाग जाएगा। जितना भी आपका प्ले कंसोल में एप्लीकेशन है, सभी में आपको उसी एक ही वेबसाइट को जो लिंक आपने कॉपी किया है उसी को ही आपको यहाँ पे डाल देना पड़ेगा और अपडेट कर देना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी आपका एप्लीकेशन है या फिर फ्यूचर में आएगा, सभी में उसी को ही आप अपडेट कर दीजिए, तो आपका सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, तो